जय जवान जय किसान का नारा आज सिर्फ नारा ही बनकर रह गया है। देश की सीमाओं से लेकर गांव के गलियारों तक आज खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि सोमवार को मथुरा के किसान सड़क पर उतर आए। हम आपको बता दें कि इस वर्ष बरसात न होने के कारण किसानों की खरीफ की फसल पूरी तरह से सूख चुकी है। यहाँ तक कि काफ़ी किसान धान की फसल को सूख जाने के कारण अपने खेतों की जुताई तक कर चुके हैं। लाखों रुपए की लागत लगा चुका किसान आज बर्बादी और भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। किसानों की इस दयनीय हालत को देख राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में किसान जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी को ज्ञापन देने पहुँचे। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस विषय में जानकारी देते हुए कुंवर नरेंद्र सिंह ने बताया कि वे किसानों की समस्या से राष्ट्रपति को अवगत कराना चाहते हैं। सूखाग्रस्त जनपद को घोषित कराने और समस्त किसानों के कर्जा माफी, बम्बे रजवाओ, माइनरों और नालों में पानी छुड़वाने, 16 से 18 घंटे बिजली ग्राम अंचल में दिलवाने, जनपद में लूक बलात्कार डकैती हत्या अमर कॉलोनी की हत्याकांड न खुले जाने के संबंध में, छाता की शुगर मिल को चलवाने के संबंध में, किसानों को जो उसका मूल्य फसल का निर्धारित होता है खरीद केंद्र खुलते नहीं समय पे, किसान मजबूरी में आड़तियों को बेच जाता है, GST पूरे देश में एक होनी चाहिए। अभी मैं मैंगलोर गया था, मसाले खरीदे सेंट्रल GST अलग लगी, 5% रसीद भी है मेरे पास, और स्टेट GST अलग लगी। मोदी जी के झूठ बोलने का इंतहा हो गई। 15 लाख रुपए नहीं आए, 2 करोड़ रोजगारों को नौकरी नहीं मिली, झूठे आश्वासन। हम गौ हत्या के समर्थक हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका इंतजाम सरकार को करना चाहिए। आज हजारों की तादाद में बैल, सांड, बछड़े, गाय, भैंसे फसलों को उजाड़ रहे हैं। जो बची कोई फसल है उसको मवेशी खा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आज किसानों की बनाई हुई है सरकार केंद्र प्रांत की बिल्कुल 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 ढपोसला साबित हो रही है। मानते हैं पिछली सरकारों में कुछ गलतियाँ हुई, भ्रष्टाचार हुए, लेकिन बंदर के हाथ में नारियल है। मैं नहीं समझता कि इन लोगों को शासन चलाना आता है। ये लोग चाहते हैं कि सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करके सरकार को बहका, कोई नहीं मिले हम सरकारों से, न प्रशासन से मिले। प्रशासन को तो यहाँ पर आने की फुर्सत ही नहीं है। इनको सिटी मजिस्ट्रेट को पहले भी भेज दिया था, आज भी भेज दिया, जबकि हजारों की संख्या में यहाँ किसान आया है। जिलाधिकारी को स्वयं उपस्थित रहना चाहिए था। जिलाधिकारी ने तो पूरी व्यू रचना इसको फेल करने की रची। हमारी सारी बसों को जो हमने की थी उनको RTO ने एक्वायर परसों ही कर लिया, और कल से ही पटवारी गांव-गांव जाकर झूठे, अभी मुझे यहीं बताया कि 1200-1200 रुपये के चेक स्थानीय जो प्रभारी मंत्री हैं वो वेटनरी कॉलेज में बांट रहे हैं। क्या ये 1200 रुपये के पात्र हैं, 2500 के पात्र? RLD की अगली रीति 30 सितंबर का समय दिया है माननीय जयंत जी से, अजीत सिंह जी से वार्ता करके। अभी तो ये ट्रेलर है, रील अभी बाकी है। हम ये मांग करेंगे जयंत जी से, अगली बार उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में 25,000 से भी ज़्यादा लोगों को एकत्रित करके प्रशासन के द्वार को खटखटाएंगे, और अगर नहीं माने तो जेल भरने का भी कार्यक्रम पूरा किया जाए। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी का प्रतिनिधित्व कर रहे सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुंचाने और किसानों की समस्या का जल्द निस्तारण करने की बात कही। आज एक ज्ञापन है कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय लोकदल की ओर से अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी व अन्य के द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर दिया गया है। इसमें जो भी मांगे हैं वो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को लिखी गई हैं। इनके संबंध में हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि इसको यथाशीघ्र महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इन पर शीघ्र ही
विधि अनुसार कार्रवाई होगी। यहाँ जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय किसानों की समस्याओं को लेकर बिल्कुल संवेदनशील हैं, और जो फेरी नीति के बारे में बात आई है उसके बारे में मैं आपको ये ज्ञापित कराना चाहूँगा हमारे मीडिया के माध्यम से कि जो फेरी नीति है उसका क्रियान्वयन चालू हो गया है। इसके संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी कर दी गई है, और जो अभी बात आई थी कि ठेले हैं ढेल ढकेल वालों को शिफ्ट करने वाली बात, उसके लिए कार्रवाई चालू हो गई है, और आपको आगे आने वाले समय में इसमें जो भी शासनादेश है उसके संबंध में जो कार्रवाई है वो आपको फ्लोर पर भी दिखेगी, यानी कि मौके पर आपको दिखने लगेगी। तो मैं आश्वस्त करता हूँ हमारे जिलाधिकारी महोदय की ओर से भी कि हमारे जिलाधिकारी महोदय पूरे संवेदनशील हैं किसानों की समस्याओं को लेकर, और आपके द्वारा जो ये समस्याएं हमारे सामने रखी गई हैं इस पर यथोचित कार्रवाई कराई जाएगी। वहीं दूसरी ओर जब सूखा ग्रसित किसानों की समस्या के विषय में प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट जल्द भेजी जाएगी और शासन से किसानों की समस्या का निस्तारण करवाने का आह्वान भी किया जाएगा। नहीं, जिले की जो स्थिति है ये सतता है, और सरकारी हम लोग रिपोर्ट बनाकर सरकार को इसमें रिपोर्ट देंगे, क्योंकि ये निर्णय शासन को करना होता है, और शासन से निवेदन करेंगे कि इस ज़िले को सूखाग्रस्त घोषित करके जो आगे की कार्रवाई है वो करनी चाहिए। समाचार सिटी 24 के लिए खेमचंद पटेल की रिपोर्ट।